बहन क्या आप मुझसे बात करेंगी? दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ उस हॉन्टेड लोकेशन पर, जहाँ पर मैंने एक हॉन्टेड रक्षाबंधन मनाया था अपनी उस बहन के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उसको बहन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे अपना भाई मानकर मेरे हाथों में राखी बांधी थी, जो अभी भी मेरे हाथों मर है। और सच बताऊँ तो मेरे यहाँ दोबारा आने का रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि जो एक अटैचमेंट, जो इसकी कहानी सुनकर जो इसके साथ बीती है, वो सुनने के बाद जो मेरे ऊपर बीती है ना, मतलब मैं अंदर से इतना इमोशनल हो चुका हूँ, मैं अंदर से इतना भावुक हो चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस बहन के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, मैं उसके लिए कुछ करूँ, उसको मुक्ति दिलाऊँ, उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ तो ऐसा करूँ जिससे इसको तसल्ली हो और यहाँ से ये मुक्ति प्राप्त करके चली जाए, अपने उस भाई को बार बार याद ना करे जिसकी वजह से इसका भाई भी परेशान होता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा दुख में होती है। तो यहाँ पर मेरा दोबारा आने का रीज़न कि मैं दोबारा उससे बात करना चाहता हूँ तसल्ली से कि वो क्या चाहती है, क्या सच में वो यहाँ से मुक्ति चाहती है, क्या सच में यहाँ से वो मोक्ष चाहती है, या उसके साथ में ऐसी एनर्जीज भी मौजूद हैं जो उसको शायद यहाँ से नहीं जाने देना चाहती है। मतलब बहुत सारी मेरे अंदर सवाल हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्लियर करने के लिए, और मैं इसे दोबारा बातचीत करना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती है, क्या नहीं, क्या वो अभी भी यहाँ पर है। क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि सिर्फ वो रक्षाबंधन के दिन ही उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो शायद उसकी रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं या अपने भाइयों को बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं रक्षाबंधन के बाद भी दोबारा आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए क्या वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है या नहीं। अगर है तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती है मेरे से बात करने के बाद, मुझे कुछ बताती है या नहीं बताती है, या यहाँ पर और भी ऐसी एनर्जीज क्या पता मौजूद हों। क्योंकि मेरे को एक बच्चे की आवाज़ भी लास्ट टाइम सुनाई दी थी, ये देखो आवाज़ें अभी भी आ रही हैं, एक बच्चे की आवाज़ भी सुनाई दी थी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हूँ। तो चलते हैं एक बार और, मैं दिखाता हूँ ये लोकेशन, और सबसे यहाँ पर मैं लाइट एक बार तेज़ कर देता हूँ। और सबसे यहाँ पे ख़राब बात पता है क्या है कि जो नदी है, नदी के पास में ना यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, जो पूजा पाठ का सामान होता है यहाँ पर ला के फेंक दिया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इतना कचरा हो चुका है ना, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और लोग पता नहीं कैसे यहाँ पर इन चीज़ों को लाकर फेंक देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें कभी भी ना करें कि यार ऐसी चीज़ों को लाकर यहाँ पर फेंक दे, क्योंकि फिर बाद में यही चीज़ें पैरों पर लगती हैं और गलत है ये सारी। कोई पत्थर इस तरफ से उधर की तरफ गया है, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और लास्ट टाइम मेरे को इस तरफ से लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई है, यहाँ से मेरे को बार बार आवाज़ें आ रही थी। देखो ये हो क्या रहा है, इस तरफ से पत्थर वगैरह बार बार इधर आ रहे हैं, एक मेरे पीछे तरफ से आया था। तो एक बार कोशिश करते हैं उस बहन से बात करने की और देखते हैं कि क्या वो हमसे बात करती है या नहीं। तो बहन ये क्या हुआ है? और गाइज मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, शायद यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार हुआ है। ये देखो यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया है, शायद एक ऐसी लाश का जो लवारिस हो यहाँ पर उसको जला दिया गया है। तो एक बार मैं दोबारा बातचीत करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या जो बहन है वो मेरे से दोबारा बातचीत करती है या नहीं करती है। एक बार मैं कैमरा सामने की तरफ कर लेता हूँ। तो बहन, मैं अमित दोबारा आया हूँ आपसे बात करने के लिए,
और यहाँ पर ये देखो शायद कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं जो अंतिम संस्कार हुआ था उसकी वजह से, और यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ है। वहाँ पर देखो मालाएं वगैरह पड़ी हुई हैं। ऐसा होता है अक्सर कि जब यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुछ लाशें ऐसी लावारिस जब आ जाती हैं यहाँ नदी के किनारे तक, तो यहाँ के पास के जो शमशान घाट वाले, जो उधर लाइट दिख रही है ना वहाँ पे शमशान घाट है, तो शमशान घाट वाले क्या करते हैं ना ऐसी लाशों का यहीं किनारे पर ही उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं और उनके अस्थि को दोबारा पानी के अंदर ही बहा देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बट ये थोड़ी स्कैरी भी है, ये ऐसी चीज़ें हमें डराती भी हैं, और सच बताऊँ तो मेरे को भी यहाँ पर अभी अजीब सा लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें देखने के बाद रात में 1:30 बजे जब आप ऐसी चीज़ों का सामना करोगे तो आप फील कर सकते हो कि आपके साथ क्या कुछ होगा। और एक बार कोशिश करते हैं उस बहन से बात करने की, देखते हैं क्या होता है। बहन, मैं अमित आया हूँ आपसे बात करने के लिए, क्या आप अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए बहन, मैं जानता हूँ कि आप यहीं पर हैं और आपने मेरे को राखी भी बांधी थी मुझे अपना भाई मानकर। मैं चाहता हूँ एक बार फिर आप मुझसे बात करें, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? क्या आप मेरे आसपास में हैं? आवाज़ आ रही है, यानी कि उसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। बहन, क्या ये आप ही हैं? एक मिनट, बहन क्या ये आप ही हैं जिसकी आवाज़ मेरे को अभी सुनाई दी है? अगर ये आप हैं तो एक बार फिर मुझे कोई आवाज़ करके सुनाए। ये देखो, ठीक है, मैं ठीक है बहन, मैं समझ गया कि ये आप ही हैं। बहन, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ अगर ऐसा है तो? बहन, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ कि आपके साथ क्या बीती है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे बात करेंगी? बहन, आपने मुझे अपना भाई माना है, क्या मुझसे आप बात करेंगी? एक मिनट, इस साइड में बार बार ऐसे पत्थर वगैरह मेरे ऊपर गिरने की हो रहे हैं, जैसे उसके साथ कोई और एनर्जी हो और मुझे हार्म पहुंचाना चाह रही हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो लास्ट टाइम मेरे को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई, ओह ये मटकी देखो यहाँ फूट गई है, यहाँ पर मटकी थी ये और ये फूट गई है, शिट। ये चीज़ें अजीब हो रही है। मैं एक बार दोबारा से वो ऐप जिससे मैं बात करता हूँ उन एनर्जियों से जो इस दुनिया में नहीं है, उसी ऐप के थ्रू एक बार फिर मैं अपनी उस बहन से बात करने की कोशिश करता हूँ जो इस दुनिया में नहीं है। क्या पता शायद उसको मेरी ज़रूरत हो। तो समझ नहीं आ रहा कि इस बार फ़ोन को कहाँ रखूँ। मैं इसी जगह पे फ़ोन को रखता हूँ और देखता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। बहन, क्या आप मुझसे बात करेंगी? नहीं, देखें मैं जानता हूँ कि आपके साथ में और लोग भी हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। रोने की आवाज़, क्या आप मुझसे बात करेंगी बहन? बहन, क्या मुझसे आप बात करेंगी? मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तो बहन मुझे आप बताएंगे कि आप क्या चाहती हैं? क्या आप यहाँ पर खुश हैं? नहीं,
नहीं करके करवा जाइए, ठीक है। तो बहन, क्या आप चाहती हैं कि हम आपको यहाँ से मुक्ति दिलाएं, आपको यहाँ से आज़ाद करा दें? देखें, आपने मुझे अपना भाई माना है और भाई के नाते मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ करूँ। क्या आप चाहती हैं कि आपको यहाँ से मुक्ति मिले, आप यहाँ से आज़ाद? हाँ, देखो आवाज़ आई है। हाँ, एक बार आप बहन दोबारा बोलेंगी, क्या आपको मुक्ति चाहिए? बहन, क्या आपको यहाँ से मुक्ति चाहिए? क्या आप आज़ाद होना चाहती हैं? एक हल्की सी आवाज़ आई है हाँ की। तो बहन, क्या आप बताएंगे, क्या आपके साथ में यहाँ पर और भी लोग हैं जो आपको जाना नहीं देना चाहते? हाँ, मतलब उसके साथ यहाँ पर और भी लोग हैं। ठीक है बहन, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। एक मिनट, देखो एक रोने की आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। हाँ, मेरी उससे बात हुई, वो यहाँ से मुक्ति चाहती है, वो चाहती है कि उसको यहाँ से आज़ादी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर उसके साथ और भी ऐसी एनर्जियाँ हैं जो शायद उसको नहीं जाने दे रही है। वो मेरे शायद बहुत पास में। बहन, क्या आप मेरे आसपास में ही हैं? देखिए, मेरे को, मैं समझ चुका हूँ कि आपको मुक्ति चाहिए, आप यहाँ से हुए। उसने क्लियर बोला है कि भाई मुझे यहाँ से आज़ाद करा दो। ठीक है बहन, मैं समझ गया कि आपको यहाँ से मुक्ति चाहिए, आप यहाँ से आज़ाद होना चाहती हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ चुका हूँ और मैं बहुत जल्द आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। गाइज, लिटरली मेरे को जो एहसास हुआ है, जो फीलिंग हुई है यहाँ पर आने के बाद, उसके बाद जब मैंने दोबारा आके यहाँ पर बात करी है, मेरे को साफ़ उसने मेरे को बोला है कि भाई मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए, यहाँ से मुक्ति दिलाओ। और जो चीज़ भी यहाँ पर हो रही है ना, उसके साथ यहाँ पर वो अकेले नहीं है, काफ़ी सारी एनर्जीज यहाँ पर और भी मौजूद हैं जो शायद उसको नहीं जाने देना चाह रही हैं। एक बच्चे की रोने की आवाज़ भी लास्ट टाइम सुनाई दी थी मेरे को, वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को डरा रही है कि यहाँ पर बच्चे की रूह भी क्या मौजूद है, तो ये थोड़ा अजीब हो सकता है। बट एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, जो अंतिम संस्कार हुआ है ना यहाँ पर, ये देखो आवाज़ एक आ रही है। इस साइड से साइड बहन, आप क्या यहीं पर हैं आसपास मेरे? ये देखो, और ये कपड़ा एक उस टाइम में थोड़ा दूर था, अभी थोड़ा पास आके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखो, एक अंतिम संस्कार शायद किसी का किया गया है, उसके कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर जो अंतिम संस्कार हुआ है ना, उसकी जो बोलते हैं अस्थियाँ होती हैं, उसको भी शायद अभी तक उठा के विसर्जित नहीं किया गया है। वो बीच में मेरे को बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं ऐसे ही, और कुछ मालाएं वगैरह उधर पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें बहुत अजीब हो सकती है, हो सकता नहीं है, यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि उस बहन के अलावा यहाँ पर और भी ऐसी रूहें मौजूद हैं जो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। एक आवाज़ आ रही है, एक आवाज़ आ रही है। तो एक बार मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, और मैं बहुत जल्द दोबारा आऊँगा यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ जल्दी से जल्दी। मेरे को पता चल चुका है, मैंने उससे बात भी करी है, और मेरे को पता चल चुका है कि उसको यहाँ से आज़ादी चाहिए, वो यहाँ से आज़ाद होना चाहती है, ये चीज़ मेरे को कन्फर्म हो गई है। तो मैं कुछ ना कुछ बहुत जल्द करूँगा अपनी इस बहन के लिए, जिसने मेरे को मेरे हाथ पर राखी बांधी थी। तो बहन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा फिर से, आपकी मुक्ति के लिए, आपकी आज़ादी के लिए दोबारा आऊँगा और आपको यहाँ से आज़ाद कराऊँगा। तो इस वादे के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ,
मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी। और गाइज इस वीडियो को मैं करता हूँ अभी यहीं तक के लिए। मैं यहाँ पर बहुत जल्द फिर से आऊँ अपनी इस बहन की मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा ताकि ये यहाँ से आज़ाद हो जाए, इसकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो इस तरह की हरकतें होती हैं जो अक्सर लोग करते हैं कि यमुना किनारे जो एक इस तरह की हरकत कर होती है ना कि जो नदी किनारे जो ये पूजा पाठ का सामान है लोग लाकर फेंक देते हैं, तो मेरी आप लोगों से विनती है कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे देश की नदियों को गंदा करती हैं। इनको स्वच्छ रखना ही हमारा काम है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ही ये सारी चीज़ें स्वच्छ रह पाएंगी। हम लोगों को पानी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं आने वाले फ्यूचर में, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाए। तो इसके लिए हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आसपास की नदियों को, तालाबों को साफ़ सुथरा रखें, उसको गंदा ना करें। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और इसी के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत जल्द मिलूँगा अपनी इस बहन की मुक्ति के लिए, उसकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कुछ तो कुछ यहाँ पर ज़रूर करूँगा, इसको यहाँ से आज़ाद कराऊँगा। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है यार कि प्लीज़ प्रे करना मेरी इस बहन के लिए कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से मुक्ति मिल जाए, इसको आज़ादी मिल जाए। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मेरे फेसबुक पेज पांडे जी को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को वीडियोज़ मिलती रहा करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ से निकलता हूँ, तब तक के लिए बाय।